हाउ टू एक्सपोर्ट मोबाइल फ्रॉम इंडिया, इंडिया से मोबाइल कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मोबाइल एक्सपोर्ट करके कैसे 5 लाख रुपए कमाएंगे, पूरा डिटेल स्टडी आपके लिए लेके आए। आपको लग रहा होगा कि चाइना इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। यस, दिस इज करेक्ट कि चाइना इसमें सबसे बड़ा कंपीटिटर है और वही सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, पर इंडिया भी कम नहीं है। भारत 4 नंबर पोजिशन पे आता है। पूरा कैलकुलेशन, पूरा डिटेल सब कुछ आपको इसी वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटेल से बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही देख लेते जो मोबाइल है, इंडिया से कैसे मोबाइल एक्सपोर्ट होते हैं। और उससे पहले बता दूं, बेसिकली जो इंडिया का मोबाइल एक्सपोर्ट है, देखिए ये आपने न्यूज 2-4 दिन पहले का न्यूज है, न्यूज आपने देखी होगी, 83% का इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ? 83% का इंक्रीज हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे देखिए, ये सोर्स भी मैं इसके बता दूं, जो ये सोर्स है ICEA का सोर्स है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये हमने अगस्त 2022 का डाटा कंपैरिजन किया। हमने $3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर में, और इस बार हमने $5.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। यानी एक्सपोर्ट में बहुत अच्छा ग्रोथ हमें दिखाई दिया, स्पेशली मोबाइल के एक्सपोर्ट में ग्रोथ 83% का दिखाई दिया, जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप में एक अनूठा स्टेप है और अनूठा एक वैल्यू है। और दैट वैल्यू इज नॉट डिक्लेयर्ड बाय मी, इट इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक गवर्नमेंट का डाटा है, गवर्नमेंट की वेबसाइट देखिए, सोर्स ICEA, यहां से आप जाके इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपने ये वाली न्यूज सुनी भी होगी, अभी रिसेंट वाली न्यूज है, जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग तरीके के जो मोबाइल है, अलग अलग तरीके के मोबाइल। अब आप बोलेंगे कि सर मैं तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूं, मैं मोबाइल कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूं? तो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, NOC लेके आप मोबाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप मैन्युफैक्चर देखिए, जरूरी नहीं कि मैं सभी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करूं। जैसे मैं भी खुद एक मैन्युफैक्चर कंपनी का ओनर नहीं हूं, मैं एक ट्रेडिंग कंपनी का ओनर हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता हूं। तो जरूरी नहीं कि सभी चीज का आपको मैन्युफैक्चरिंग करना ही करना है, मैन्युफैक्चर से लेके आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। और जब एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कुछ बेनिफिट भी देती है। क्या बेनिफिट देखिए, धमाल कमाल मचा रहा है DBK, ड्यूटी ड्रॉबैक देखिए, आपको यहां पे 4% मिल रहा है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, DBK 0.15% मिल रहा है, या 0.1% मिल रहा है, या 0.5% मिल रहा है, लेकिन यहां पे DBK आपको 4% मिल रहा है, 4% ऑफ योर कॉमर्शियल इनवॉइस वैल्यू। तो अपने आप में गवर्नमेंट चाहती है कि भाई इसको कैसे प्रमोट करूं, यहां से मोबाइल एक्सपोर्ट को कैसे प्रमोट करूं, ये ही प्रमोट करवा रहा है। ज्यादा पैसा गवर्नमेंट आपको दे रही है तो आप ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और ज्यादा तरीके से उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हम अभी 4 नंबर पे हैं पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने पर मोबाइल में, एज पर वोल्जा डाटा लास्ट ईयर की बताया। 83% का ग्रोथ होना मजाक बात नहीं है। सेकेंड नंबर की बात करें, IES दोनों को मिल रहा है, मैन्युफैक्चरर को भी मिल रहा है 3%, और जो MSME रजिस्टर्ड नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर, उसको भी 2% का IES मिल रहा है। अगर मैं RODTP की बात करूं, रोड टेप, तो रोड टेप नॉर्मली परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू होता है, लेकिन यहां परसेंटेज नहीं है, इसमें गवर्नमेंट आपको एक फिक्स प्राइस दे रही है, ₹24.50। हर पीस एक्सपोर्ट करने पे आपको ₹24.50 मिलेगा एज ए RODTP, रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। अगर मैं बात करूं GST, आपको 18% मिलता है, लगता है, जो कि आपको रिफंड हो जाता है, GST एक्सपोर्ट में रिफंड हो जाता है, 0 GST लगता है एक्सपोर्ट में। बता दो, बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं कि आप बायर कैसे फाइन करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, 17 सालों में जो करके हमने सीखा है, वो सारा आपको सिखा देते हैं कुछ ही दिनों में। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से आप इससे पैसा कमाएंगे, 5 लाख रुपए कमाएंगे मोबाइल एक्सपोर्ट करके, पूरा कैलकुलेशन A to Z आपके लिए लिख के लेके आऊं, आप टाइम का सेव करने के लिए आपका, आप इसको ध्यान से जरूर देखिए। अगर आप एक एग्जांपल ले लेते, 5,000 से 10,000 रुपए वाला मोबाइल, यानी एक मोबाइल 10,000 रुपए का आपने खरीदा,
बल्क में खरीदेंगे और भी सस्ता मिलेगा। और आप इसके 200 पीस खरीदते हैं, कितने पीस खरीदने, 200 पीस इसके खरीदने, 200 पीस, तो ये आपका 20 लाख रुपए का शिपमेंट रेडी हो जाता है। यानी बाइंग प्राइस कितना हो गया मेरा, 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपीस। और 1 लाख रुपए हम इजी कैलकुलेशन के लिए हमेशा लिख लेते हैं, जो हमारा लोकल खर्चा होता है, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, गुड्स इंश्योरेंस का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, वो हम 1 लाख रुपए लिख लेते हैं। और कुछ गवर्नमेंट के यहाँ पे बेनिफिट्स भी है जो मैंने आपको बताए थे, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स परसेंटेज में कितने, 22% भी है, प्लस 24 रुपए पर पीस भी मिल रहा है, 24 रुपए जो RODDP मिल रहा है, 24 रुपए, है ना। अभी ये गवर्नमेंट के बेनिफिट टोटल कितने मिल रहे हैं, सब कुछ मिला के इस कैलकुलेशन के हिसाब से 4,44,000 रुपए मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं, 4,44,000 रुपए मुझे गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल रहे हैं इसमें। अब इसमें फाइनल बाइंग प्राइस कितना हो गया, वो गवर्नमेंट के बेनिफिट माइनस करके हम निकाल सकते हैं एज पर प्रोसेस। तो फाइनल बाइंग प्राइस हो गया मेरा 20 लाख रुपीज, जो मेरा बाइंग प्राइस था, प्लस मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, माइनस गवर्नमेंट के बेनिफिट्स 4.5 लाख, यानी 4,44,000 रुपए, और ये हो गया इक्वल टू 16,55,000 रुपए, 16.55 लाख रुपीज का हो जाता है आपका फाइनल बाइंग प्राइस। अब सेल कितने में हो रहा है, FOB वैल्यू क्या है, इसका FOB वैल्यू जो 10,000 रुपए का हमने खरीदे था, वो 11,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए तक भी लोग बेच देते हैं, पर एक मिनिमम वैल्यू लेके चलते हैं कि 10,000 रुपए में आपने खरीदा और 11,000 रुपए में आपने बेच दिया। 10,000 में खरीदा मैन्युफैक्चर से और 1,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रख के 11,000 में आपने बेच दिया, 200 पीस बेचे, तो 22 लाख रुपए का आपका शिपमेंट सेल हो गया। कितने का सेल हो गया, 22 लाख रुपए का। अब नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो बताइए सर, नेट प्रॉफिट हो गया 22 लाख रुपए जो आपका सेल प्राइस था, माइनस 16.55 लाख जो आपका फाइनल बाइंग प्राइस था, इजिकल्स टू हो जाता 5.44 लाख रुपीज, यानी 5 लाख रुपए हर कोई एक एवरेज एक्सपोर्टर भी मोबाइल एक्सपोर्ट करके आजकल कमा सकता है, कमा रहा है। अब कहाँ एक्सपोर्ट करें वो बताइए, तो वो टॉप 5 कंट्री के बारे में बताता हूँ जहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। उसमें सबसे पहले पायदान पे UAE आता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 91,000 शिपमेंट्स खरीदे लास्ट ईयर एज पर वोल्जा डाटा UAE ने, 19,000 शिपमेंट खरीदे मोबाइल के लास्ट ईयर में। ऑस्ट्रिया ने 10,000 शिपमेंट खरीदे हैं। फोर्थ नंबर की बात करूं तो USA ने 9,000 शिपमेंट खरीदे हैं लास्ट ईयर। अगर मैं UK की बात करूं, UK ने भी लगभग 9,000 शिपमेंट ही खरीदे हैं लास्ट ईयर मोबाइल के, फ्रॉम डिफरेंट कंट्री इन टू देयर ऑन कंट्री। अगर मैं बात करूं HS कोड की, चाहे आप इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, HS कोड तो आपको लगता ही लगता है। सो ये 85 नंबर चैप्टर में आता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, 85 नंबर चैप्टर में आता है, 17 इसका सब चैप्टर है, तो HS कोड बन जाता है 85, यानी 8517 1300। आप इसको इजीली रिसर्च भी कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट प्रोसेस की बात करूं कि सर एक्सपोर्ट का प्रोसेस क्या है, तो उसमें सबसे पहले आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फिर आपको बायर फाइंड करना है, और बायर फाइंड करने के लिए जो टोटल 15 मेथड्स आपको ट्रेनिंग में बताए जाते हैं वो सारे आप यहाँ पे इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर वो भी आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, या उसमें टाइम आपका लग रहा है, या फिर उसमें मेहनत लग रही है, उतना टाइम उतनी मेहनत करने का आपके पास समय नहीं है, तो आप डायरेक्ट, आपके पास पैसा है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो, डायरेक्ट आप वोल्जा का पका पकाया लिस्ट ले सकते हैं, गोलजा का डाटा ले सकते हैं, हमने भी वोल्जा का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ एंड वी आर हैप्पी विद दैट। तो आप वोल्जा का सब्सक्रिप्शन आपने ले लिया, उसके बाद आपको बायर को वेरीफाई करना है कि इज देयर एनी पार्टी फ्रॉड, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, वो आप जो ट्रेनिंग में सारी ट्रिक्स आपको सिखाई जाती है सारी आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए, और इसके बाद जब आपका बायर वेरीफाई हो जाए उसके बाद आपको कर लीजिए उसको कन्विंस, व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू जेंटलमैन, आपसे मैं क्यों खरीदूं, क्या आपका ऐसे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, आपका प्राइस बहुत अच्छा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी, या फिर आप टाइम पर डिलीवरी करते हैं, आपका USP है क्या, जो आपका USP रेडी कराते हैं वो ट्रेनिंग में, वो सारा आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए, और इसमें आपको पैसा एडवांस आ जाता है, और जब पेमेंट आपका एडवांस आ गया, जब पेमेंट आपके पास आ जाता है, फिर उसका कर दीजिए BRC, जो कि होता है आजकल EBRC, इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट प्रोसेस का सबसे लास्ट डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटी है, एज पर फेमा रूल जो इंडिया से प्रोडक्ट या सर्विस गई है उसका पैसा आना जरूरी है, तो ये BRC आपको कराना जरूरी है, ये पैसे आने का ही प्रूफ है कि पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, कौन से अकाउंट में, जो हमारे IEC के साथ में लिंक है। अगर मैं बात करूं इसमें एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या लगने वाली है, तो आप मेरे से पहले बता देंगे सर ये तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, EEPC लगेगा, यानी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका RCMC रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप मात्र 6,500 रुपए देके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता जाता है RCMC का चार्जेस EPC का बढ़ता जाता है। टॉप कंपटीटर कंट्री की बात करें जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे बट ऑब्वियस चाइना ही आता है, चाइना इस पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर रहा है। चाइना देखिए 76 लाख
76 लाख शिपमेंट वो कर रहा है एक्सपोर्ट, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया 29 लाख शिपमेंट कर रहा है, 8 लाख शिपमेंट वियतनाम भी कर रहा है, और हम लोग फोर्थ पोजीशन पे आते हैं। हम लोग भी 2 लाख शिपमेंट कर रहे हैं, लगभग 3 लाख, 2,70,000, यानी लगभग 3 लाख शिपमेंट हमने किया है। जापान ने 1,80,000 शिपमेंट किया। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए, हर उस भारतीय को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा, बिजनेस में आना चाहता है, या जो बिजनेस कर रहा है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं आप, तो इंतजार करेंगे हम आपका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट हमें बड़े चाव से, बड़े प्यार से पढ़ता हूँ, और उनको रीड करके उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, और उनका रिप्लाई देने की भी कोशिश करता हूँ। और ऐसे आप हमेशा की तरह ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए, और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। क्या आप सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनना चाहते हैं और एक एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर को ढूंढ रहे हैं जो आपके बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा स्टेप बाय स्टेप? देन जॉइन अवर ट्रेनिंग, अवर प्रैक्टिकल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.aglobalexport.com, और यू कैन डायरेक्टली कॉल अस ऑन 9014582523। थैंक यू, कॉल नाउ।